सब आपस में स्थिति बदलते हैं, चलो जल्दी बनाओ सब लोग, देख करके बन जाना चाहिए। 17 बाकी जवाब तो जल्दी से, 10वां सवाल का जवाब क्या होगा, फिर हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे। क्लियर ना? देखो डायरेक्ट बनाना हो तो कैसे बनेगा, सबसे पहले लास्ट में किसके बारे में बात हो रहा, कमाल कमाल दाएं छोर से कितना हो जाता है 15। अब ये दीप्ति है वही ना कमल है, जो दीप्ति है अब ये कमल हो गई, कमल हो गया, जो कमल है वो दीप्ति, कोई दिक्कत? अब बताओ कमल दाएं से 15 और कमल बाएं से 10, यहां से टोटल छात्र निकल जाएगा, कुल छात्र कितना, तो बाएं से 10 प्लस दाएं से 15 माइनस 1 कितना छात्र 24। लेकिन सवाल है दीप्ति बाएं छोर से कितनी, तो दीप्ति का रैंक बाएं से कितनी, तो क्या करिएगा टोटल में बढ़ाइएगा 25, और एक तरफ दाएं से वो कितनी है, दाएं छोर से कितनी है वो 8 में घटा देंगे, तो 25 में से 8 गया, आया है कि नहीं, आया है सबका, टोटल पूछता तो 24, दोनों के बीच का छात्र पूछते तो बोलो जल्दी से, तो एक रैंक दाएं से 8 और दूसरा दाएं से 15, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 7 और माइनस 1 मतलब कि 6, कल ही पढ़ाए थे ये, कल ही पढ़ाया गया था। तो आगे पढ़े सिटिंग अरेंजमेंट पे, सिटिंग के बाद फिर क्या है, बदल है, सिटिंग के बाद क्या है, बदल। बोलिए रोहित शर्मा, आगे बढ़े, चलो अगला 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 ये स्टार्ट किया जाए। चलो देखो सिटिंग अरेंजमेंट में थ्योरी ज्यादा नहीं है लेकिन कॉन्शियसनेस जरूरी है, अगर गलती किए तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो सिटिंग अरेंजमेंट कितने तरह के आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट कितने तरह के आते हैं, तो सबसे पहला जो पूछा जाता है सिंगल लाइन, क्या सिंगल लाइन, मतलब एक ही पंक्ति में जब लोग बैठे हुए होते हैं, क्या होता है एक ही पंक्ति में जब लोग बैठे हुए होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सिंगल अरेंजमेंट। फिर दूसरा पढ़ना है आपको पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन का मतलब क्या हो गया, पैरेलल लाइन का मतलब समांतर पंक्ति में, जैसे कि चार लोग एक पंक्ति में, चार लोग दूसरी पंक्ति में आमने सामने मुख करके। फिर उसके बाद तीसरा जो आपको पढ़ना है सर्कल अरेंजमेंट, क्या सर्कल अरेंजमेंट, वृत्तीय व्यवस्था, मतलब वृत्ताकार मेज के चार लोग बैठेंगे, ये हो गया एक पंक्ति में बैठे लोगों की संख्या दिया हुआ रहेगा, ये समांतर पंक्ति हो जाएगा, समांतर पंक्ति ये हो जाएगा आपका वृत्ताकार मेज, क्या वृत्ताकार या गोलाकार, वृत्ताकार या गोलाकार मेज, कोई दिक्कत? एक और पढ़ना है ये भी आने लगा है, कौन सा स्क्वायर अरेंजमेंट, स्क्वायर पढ़ लिया तो समझो आयतों पढ़ लिया, हेक्सागोनल पढ़ लिया, ऑक्टागोनल भी पढ़ लिया, अष्टभुजाकार होता है ना, मतलब वर्गाकार मेज, क्या होता है वर्गाकार मेज। अब इसमें एक समस्या है, सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं ना इसमें कंप्लीटली लैंग्वेज होता है, अब लैंग्वेज को सही करने के लिए कुछ नहीं करना है, लैंग्वेज पर पकड़ बनानी चाहिए, लैंग्वेज पे पकड़, लैंग्वेज पे पकड़ तब बनेगी जब आप लैंग्वेज को कनेक्ट करना सीखिएगा, जैसे ब्लड लेसन बनाए होंगे ना आप लोग, ब्लड लेसन में क्या होता है कि जैसे कि एक परिवार के सदस्य हैं एबीसीडी या तथा जी, लैंग्वेज है वहां पे, उसमें लिख दिया पहला लाइन की बी सी की माता है, हमने बैठा लेते थे कि बी सी की माता है, अगर लाइन दे दिया डी और ई से कनेक्टेड तो डी और ई बी सी से कनेक्ट होगा, हम क्या करते थे उसको छोड़ देते थे आगे बढ़ते थे, कनेक्ट होने वाले लैंग्वेज को ढूंढते थे, उसी को कहते हैं कनेक्शन करना, क्या कहते हैं कनेक्ट, जिसके पास कनेक्टिविटी लैंग्वेज को कनेक्ट करने की क्षमता जितनी जल्दी आएगी उसका सिटिंग मतलब उतना बेहतर होगा। आपको जरूरी कसम खा ली आप कि सिटिंग में पहला लाइन दिया हुआ है कि आर क्यू और एस के बीच बैठा तो वहीं से शुरुआत करेंगे, गलत, एक जगह देखो कि लैंग्वेज का कनेक्शन कहां कहां से है, तुरंत बैठेगा, तुरंत बैठेगा, हां लेकिन एक चीज पर कंट्रोल होना चाहिए, क्या वो बाएं दाएं पर, क्या बाएं दाएं, जब आप सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण लैंग्वेज यही होता है, सबसे महत्वपूर्ण लैंग्वेज बाएं दाएं, उसी को आपको पकड़ के चलना है, और कहा भी जाता है कि सिटिंग की शुरुआत कभी भी एक कंफर्म लाइन से होना चाहिए, कंफर्म लाइन पूरे सिटिंग अरेंजमेंट में दूरी को होता है, देखो तो बाएं दाएं का लैंग्वेज नहीं रहता है, आर क्यू के बाएं तीसरा बैठा हुआ है, जे एस के दाएं चौथा बैठा हुआ है, एक बाएं दाएं का लैंग्वेज कंफर्म माना जाता है, वहां से शुरुआत करिए, या नहीं तो एक लैंग्वेज होता है कि आर दाहिनी छोर से तीसरा है या क्यू बाएं छोर से पांचवा है या बीच में बैठा हुआ है, लेकिन वो कहां यूज होगा, या तो पैरेलल लाइन में यूज होगा या तो सिंगल लाइन में, वृत्ताकार या वर्गाकार में क्या इंपॉर्टेंट होता है, बाएं और दाएं, यानी कि बाएं दाएं पर कंट्रोल होना जरूरी है, बाएं दाएं का कांसेप्ट कैसे क्लियर होगा, चलो वो सीखना है, सबसे अमुख चीजें हैं कि बाएं दाएं पर कंट्रोल करना, बाएं दाएं पर कंट्रोल करना सबसे पहले सीखना है। मान लीजिए कि सिंगल लाइन में कुछ आदमी बैठा हुआ है, सिंगल लाइन में मतलब एक ही पंक्ति में 7 या 8 लोग बैठे हुए हैं, अब वहां पर बाएं दाएं को कैसे कंट्रोल करिएगा, तो किसी भी व्यक्ति का बाएं दाएं किस पर आधारित होता है, उसके चेहरे पर, उसका चेहरा किधर है, जैसे मेरा चेहरा आपकी तरफ है, देखो इस तरफ मेरा दाएं, इस तरफ मेरा बाएं, लेकिन जैसे ही मेरा चेहरा मुड़ गया तो दाएं बाएं बदल गया, बोलो तब दाएं इधर हो गया बाएं इधर, फिर चेहरा मोड़ लिया तो दाएं बाएं बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, तो दाएं बाएं कौन बदलता है चेहरा, यानी दाएं बाएं कौन निर्धारित करता है चेहरा, चेहरा अभी अगर मेरा कैमरा की तरफ है तो दाएं बाएं का सिचुएशन अलग, अगर हम फेस अगर इधर कर दें तो दाएं बाएं अलग हो जाएगा, फेस अगर इधर कर लें तो दाएं बाएं अलग हो जाएगा, तो वही चीजें हैं कि फेस किधर है वो निर्धारित करता है बाएं दाएं, और आप देखिए सिटिंग अरेंजमेंट लिखता भी है कि 7 व्यक्ति या 8 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, उन सभी का मुख या तो बोलेगा उत्तर की तरफ, या तो बोलेगा दक्षिण की तरफ, या बोलेगा पूर्व की तरफ, या बोलेगा पश्चिम की तरफ, क्यों बोलता है ताकि बाएं दाएं में आप दिक्कत आपको ना हो, तो सिंगल लाइन में किसी व्यक्ति का मुख किधर हो सकता है, मुख किधर हो सकता है बोलो, तो सबसे पहला कंडीशन आता है सिंगल लाइन में उत्तर की ओर मुख, क्या होता है उत्तरी मुख कह लो या उत्तर की ओर मुख कह लो, उत्तर की ओर मुख, मान लो कि किसी पंक्ति में कुछ लोग बैठे हुए हैं और सभी का मुख उत्तर की तरफ है, किधर है उत्तर की तरफ, ये रही वो पंक्ति, अब इस पंक्ति में सभी का मुख किधर है उत्तर की तरफ, अच्छा उत्तर की तरफ मुख है, इस पंक्ति में जो भी लोग बैठेगा सबका मुख किधर है उत्तर की तरफ, अच्छा इसका मुख और आपका मुख एक ही दिशा में है कि नहीं है ना, जब मान लो मेरा मुख और आपका मुख एक ही दिशा में है कि नहीं, जिधर मेरा आपका भी बाया, जिधर मेरा आपका भी बाया, या जिधर आपका बाया मेरा भी बाया, जिधर आपका दाया मेरा भी बाया, मतलब अगर कोई आदमी किसी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है तो बाएं और दाएं बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग होगा, आपके अकॉर्डिंग मतलब बिल्कुल आपके तरह होगा, आपके अनुसार होगा, आपका बाया किधर होता है बोलो, इधर ही ना, जिधर आपका बाया है इसका भी बाया होगा, जिधर आपका दाया है इसका भी दाया होगा, इसका मतलब मान लो ये लड़का यहाँ बैठा हुआ है, इसके लिए इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट, इधर क्या हो जाएगा राइट, बोलो क्लियर, लेकिन अगर व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर हो, अगर दक्षिण की ओर मुख करके कोई लोग बैठा हो, दक्षिण की ओर मुख, तब बाएं दाएं पलटेगा कि सेम रहेगा, पलटेगा, वेरी गुड, मान लो ये रही वो पंक्ति, अब इस पंक्ति में कुछ लोग किधर मुख करके बैठे हैं दक्षिण की, जिधर आप बताओ, जैसे कि मेरा और आपका फेस आमने सामने हो गया कि नहीं, वैसे ही आपका फेस और इसका फेस किधर है आमने सामने, जब फेस आमने सामने हो जाता है तो जिधर मेरा दाया है आपका क्या है बाया, जिधर मेरा बाया है आपका क्या है चेंज हो गया कि नहीं हो गया, चेंज हो गया ना, तो वही चीज अगर दक्षिण की तरफ मुख क्या हुआ है, ये आपका बाया है, ये आपका क्या है बाया, इसका क्या होगा, ये आपका दाया है, इसका क्या होगा,
अब आप ही बताइए, अगर कोई लड़का पंक्ति में बैठा है दक्षिण की तरफ मुख करके, तो इसका बायां किधर होगा? जिधर आपका दायां है, इसका दायां किधर होगा? जिधर आपका बायां है। तो चलो इधर क्या हो जाएगा? इधर आपका दायां है तो इसका क्या, इधर आपका बायां है तो इसका क्या? दिक्कत दिक्कत करना क्या है? जैसे ही किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, बाएं दाएं उल्टा काम करना है। बोलेगा बाएं बैठाओ, वो करे बातें नहीं बनना। किसी बच्चे की तरह बोलेगा बाएं तो बैठा देना है दाएं, बोलेगा दाएं तो बैठा देना है बाएं। अब कहिएगा सर, कभी कभी ना पूर्व की तरफ मुख दे देता है, कभी कभी पूर्व की तरफ मुख करके दे देता है, तब क्या करेंगे? उसका उपाय है, अगर मान लो पूर्व की ओर मुख करके दे दिया, किधर? पूर्व की ओर मुख करके दे दिया, तो पूर्व की ओर मुख करके देगा, पूर्व मान के बनाने नहीं है। क्या मान करके बनाना है? उत्तर मान करके बनाना है, कहानी खत्म, कहानी खत्म। और अगर बोलते हैं पश्चिम की ओर मुख दिया हुआ है, पश्चिम की ओर मुख, पश्चिम की ओर मुख, तो पश्चिम मान के नहीं बनाना है, तभी उत्तर मान करके बनाना है। सही बात, पूरा बोले, पश्चिम बोले, उत्तर बोले, सबको उत्तर मान के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो ऐसे बनाओगे ना तो फिर बार ऐसे बाएं दाएं करना पड़ेगा, पेंडुलम की तरह, समझ गए? लेकिन बाएं दाएं क्लियर करना है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, अगर पूर्व की तरफ मुख होगा, अगर पूर्व की तरफ मुख होगा तो उत्तरी छोर किसको बोलते हैं? पूर्व की तरफ मुख है तो उत्तरी छोर किसको बोलते हैं? पूर्व की तरफ मुख है तो उत्तरी छोर मतलब बाएं, किधर? बाएं से, ठीक है। और दक्षिणी छोर मतलब, कभी कभी इसका यूज कर लेता है, लिखाइए देता है, दक्षिणी छोर मतलब दाएं से, मतलब दाएं से। अब ध्यान देना है, अगर सर यहां ये यहां पर उत्तरी छोर मतलब उल्टा, उत्तरी छोर मतलब दाएं से, ये तो उस वक्त भी आप लोग सोच लीजिएगा। और दक्षिणी छोर मतलब, चलो जल्दी से लिख लो सब लोग, जल्दी बराबर, जल्दी निकलो बराबर, लिखो 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 जल्दी। साउंड नहीं आ रहा है सर, आवाज कट रहा है, आवाज तो सही है, साउंड सही है ना? अब हेलो 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 हेलो, क्लियर है ना? वॉइस क्लियर है ना? अब सर साउंड, साउंड तो सही है, साउंड तो क्लियर, बस खाली अंतर क्या है? दक्षिण, खाली दक्षिणी वाले को बहुत सारे तो दक्षिणों को उत्तर कर सकते हैं, लेकिन ना बहुत सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन ना दक्षिण को खाली रिस्पेक्ट देना है थोड़ा, बाकी समझ ना? आज के बाद उत्तर बोले, पूरा बोले, पश्चिम बोले, उत्तर मान के बनाना है। सर जी पैरेलल लाइन में क्या करेंगे? कुछ नहीं, नहीं लिखिए जी, जल्दी देखिएगा, कल जो क्वेश्चन करवाएंगे ना सिटिंग का, कितना मजा आएगा। वैसे आधी क्वेश्चन करवाएंगे हम, लिखिएगा जल्दी लिखो। सर जी साउथ को भी नॉर्थ लेकर करें तो कोई दिक्कत हो जाए? दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अगर उचा लेगा कि दिक्कत हो जाए, इंटरेस्टली अगर क्वेश्चन सेट कर देगा, दो लैंग्वेज सेट करके देगा, तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए रिस्क नहीं लेना। ये बताइए, अच्छा कई लोग कह रहे हैं सर पैरेलल लाइन में क्या करेंगे? जब भी पढ़ लिया तो पैरेलल